ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। और आज हम अपना क्लास नाइन्थ का जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं, उसी में हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपका आएगा एक्सरसाइज किसमें 1.5 में, किसमें आ रहा है वो 1.4 में आएगा। हम 1.4 कर रहे हैं क्योंकि हमने कल 1.3 करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई हम किस तरीके से किसी भी एक आपके एक लेंथ को हम मैग्निफाई करके उसको नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमारे पास एक अगले उसमें एक्सरसाइज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसके लिए मैं पहले से आपको एक एग्जांपल लेके पहले बता देता हूँ कि हम उसको करते कैसे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें हाउ टू रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, यानी कोई भी नंबर है आपके पास रिगार्डलेस ऑफ द नंबर वैल्यू ऑफ द नंबर, आपके पास चाहे रूट 9.3 है, चाहे रूट 5 है, एनीथिंग, कोई भी नंबर है वो रूट में है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट नंबर ऑन अ नंबर लाइन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर क्लास नाइन्थ कंसर्न, ठीक है, और ऑब्वियसली आपके लिए आज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन फाइंड दैट वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे ज्योमेट्री का, कि कुछ चीजें जो अर्थमेटिकली हमसे नहीं हो पाती उन चीजों को हम ज्योमेट्रिकली बड़ा क्विकली और बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है, लेट्स से ये लाइन आपकी क्या है, ओ, कितनी है ये, ए, ठीक है। अब इस ओ ए की लेंथ कितनी है, वो एक्स है, कितनी है वो एक्स, ठीक है। ये चीज मैं आपको इस क्यों करवा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप वेरीफाई कर सको जो आपको मेथड दे रखा है आपकी बुक में, वो मेथड आया इस तरीके से, मेथड क्यों आया है, दोनों बातें हैं कि रिप्रेजेंट क्यों करते हैं इस तरीके से, वो मेथड आया कहां से। तो वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग और वी आर जस्ट इवेल्युएटिंग दैट कि वो आया कहां से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई नंबर है रूट है, मतलब हमारे पास एक्स कोई नंबर है, जैसे आपका क्वेश्चन में रखा है रूट 9.3। तो लेट्स से आपने सबसे पहले 9.3 खींच ली, 9.3 को यहाँ पर आपने लाइन को खींच लिया, तो हमने एक्स मान ली। अब इस एक्स पॉइंट से इतने ही पॉइंट पे हमने यहां से एक यूनिट यानी कि बी, वन यूनिट का एक पॉइंट और एज्यूम कर लिया। जैसे आपका स्केल है उस पर 10 सेंटीमीटर का होता है, तो लेट से ये 11 सेंटीमीटर हो गया, ये 9.3 था तो ये यहां तक का 10.3 हो गया, ओ से लेके बी तक का, यानी कि ओ भी कितना हो गया आपका, वो एक्स प्लस वन हो गया, कितना हो गया वो एक्स प्लस वन। तो पहली स्टेप हमने क्या करी, हमने ओ ए को ड्रॉ किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ए से लेके बी तक एक यूनिट ड्रॉ कर ली, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट कर दिया, इसका हाफ कर दिया, तो लेट से हाफ यहां पे आ गया, उसको हमने मान लिया एम, ठीक है। तो यानी कि ओ एम इज इक्वल टू एम बी और इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है। ओ बी का हमने हाफ किया, ओ बी का हाफ किया तो हमारे पास में क्या मिल गया, ओ बी का हाफ करने से एक्स प्लस वन बाई टू क्या आ गया आपका, वो आ गया ओ एम और एम बी। बच्चों बात समझ आ रही है, क्या हो गया इसका मतलब कि आपके पास ओ एम आ गया और एम बी आ गया। अब हमें प्रूफ करना है, अब देखो अब हमने यहां से क्या किया, ऑब्वियसली अगर ये 1/2 1/2 तो आप आसानी से इस पे एक खींच सकते हो, यहां से लेके आपने स्केल लेके और इस तरीके से अपनी उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये आपका एक सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज भी हमने करी नहीं है कि जो लगे आपको ये पता नहीं कहां से आ गई। तो हमने क्या किया, देखो मैंने इसे बताया, पहली स्टेप ओ ए ड्रॉ करना, दूसरी स्टेप एक यूनिट ड्रॉ करना, तीसरी स्टेप उसका मिड पॉइंट करना, और चौथी स्टेप यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना। पांच स्टेप अभी तक हो चुकी है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा मतलब हम कह सकते हैं रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है कि यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है कि जैसे मान लो मैंने ये मान लिया, ये वाला यहां से लेके यहां तक का मैंने मान लिया, ये आपका क्या है, मतलब कोई नंबर मान लिया मैंने, कि ये मान लिया मैंने कि इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। अब देखो मेन चीज यहां से स्टार्ट हुई, हमें निकालनी है इसको, हमने क्यों मान लिया, हमें निकालनी क्यू ए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इज लाइक रेवोल्यूशनरी चीज, जिसने पूरा पूरा मैथमेटिक्स की चीजों को ही बदल दिया कि भाई ये कहां से आ रही है कैसे आ रही है,
उन सब चीजों को उसने वहां पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को निकालने के लिए मान लो हमें क्यू ए निकालनी है, सो क्यू ए का स्क्वायर विल बी क्यू एम स्क्वायर और माइनस एम ए स्क्वायर। ठीक है, सो क्यू, अब सोचो क्यू एम, अब अगर ये देखो हमने एक सेमी पैरामीटर, ये सेमी सर्कल लिया हुआ है, तो ये इसकी रेडियस होगी ऑब्वियसली। अब रेडियस कितनी है आपकी, एक्स प्लस वन बाई टू, कितनी है एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और माइनस आपकी एम ए कितनी है, एम ए देखो एम ए कितनी है, ओ ए जो है वो तो है एक्स प्लस वन बाई टू, ओ ए कितनी है एक्स, ओ ए कितनी है एक्स है और एम ए, और एम ए कितनी हो जाएगी आपका, अगर ये पूरी तो है आपकी एक्स और एम से लेके बी तक है कितनी, या फिर इसको मान लो ये आपकी कितनी है एक्स प्लस वन बाई टू, अब पूरा एक्स है और ये एक्स प्लस वन बाई टू है, तो ये कितना बचेगा आपका एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई टू। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ कि हमने आया कहाँ से, हमारा एम ए जो आया वो आ गया आपका एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई टू, ये सॉल्व कर लिए इसको तो कितना आ जाएगा ये एक्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर पूरे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन फोर। ऑब्वियसली थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको दिख रहा होगा माइनस है तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस वाला प्लस बन जाएगा तो आ जाएगा फोर एक्स अपॉन फोर, तो फोर एक्स अपॉन फोर यानी कि आपका कितना आ गया एक्स आ गया। बस हमारी अब ये किसकी वैल्यू, ये है ओ क्यू ए स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि क्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे आप लिख सकते हो आसानी से क्यू ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और वही हमें फाइंड करना था, यानी क्यू ए कितना आ गया आपका अंडर रूट एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है, इसको आप एक्सटेंड कर लो इस तरीके से। अब इसको मान के आप सेंटर मान के यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, यहां से आपने ड्रम ड्रॉ कर लिया सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से, और जहां ये नंबर लाइन पर पहुंच गया वो आपकी रूट एक्स होगी, वो आपकी क्या होगी रूट एक्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है सारी वैल्यू, सिर्फ ये आपकी रहेगी, तो आप यहाँ पे आपकी रूट एक्स आ गई, यानी कि दिस इज रूट एक्स। अब आप देखो ये इसको बताने का ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था, कि अगर आपके पास रूट 9.3 है, रूट 7.5 है, रूट 5 है, रूट 3 है, एनी नंबर यू हैव, यू कैन ड्रॉ दैट नंबर ऑन दैट नंबर लाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ आ गया होगा, अब हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को, बड़ा सा सिंपल सा एक्सरसाइज है, कुछ भी इसमें नहीं है, कुछ भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी तो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। ठीक है, चलो सो एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं, एक नई वीडियो और डाल देते हैं जिसके अंदर हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, तो ताकि आपका ये टर्म एक अलग हो जाएगा और वो टर्म आप आसानी से इसको एक अलग वीडियो में आप समझ सकते हो, और वो टर्म आपका पूरी एक्सरसाइज जो हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो वीडियो, चलो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, एक नई वीडियो बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, एंजॉय योर डे एंड बाय।